देश के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले में फंसे डायमंड कारोबारी नीरव मोदी का जयपुर से खासा जुड़ाव रहा है। वे शाही अंदाज की दावतों में शामिल होते रहे हैं, लेकिन अब मोदी के जयपुर के ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही है। पोलो खेल के शौकीन नीरव जयपुर में आयोजित हुए पोलो चैंपियनशिप में कई बार अपनी मौजूदगी दर्ज करवा चुके हैं। आखिरी बार उन्हें पिंक डायमंड कप पोलो चैंपियनशिप के दौरान जयपुर में देखा गया था। वे यहां बतौर चीफ गेस्ट बुलाए गए थे। इस मुकाबले के समापन समारोह में नीरव के साथ जयपुर के पूर्व राजघराने की पद्मनी देवी ने भी उनके साथ मंच साझा किया था। इस खिताबी मुकाबले के बाद नीरव उस रॉयल पार्टी डिनर का भी हिस्सा बने थे जो सिटी पैलेस में आयोजित की गई थी। इस डिनर पार्टी में जयपुर के पूर्व राजघराने के सदस्य भी मौजूद रहे। नीरव मोदी के जयपुर राजघराने से भी गहरे रिश्ते हैं। सूत्रों के मुताबिक जब भी वे जयपुर आए उन्होंने पूर्व राजघराने के सदस्यों से मुलाकात की। नीरव खुद रॉयल फैमिली से हैं और उनकी जयपुर के साथ ही राजस्थान की अन्य रॉयल फैमिली से काफी नजदीकियां हैं। मोदी द्वारा किए गए पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के तार जयपुर से भी जुड़े हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने गीतांजलि ज्वेलर्स के राजधानी स्थित दो ठिकानों पर छापे मारे हैं। वहीं निदेशालय ने नीरव मोदी के जयपुर समेत देश के अन्य ठिकानों पर छापेमारी कर 5100 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। ईडी ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन और सीतापुरा स्थित गीतांजलि ज्वेलर्स निर्माण यूनिट पर छापे की कार्यवाही की है। गीतांजलि ज्वेलर्स सेबी में रजिस्टर्ड कंपनी है, जिसके साथ ज्वेलर्स के शोरूम है। पीएनबी घोटाले में समूह के वित्तीय लेन देन संदिग्ध मिलने के कारण प्रवर्तन निदेशालय इसकी जांच कर रहा है। पीएनबी घोटाले के बाद 46 वर्षीय भारतीय डायमंड व्यापारी नीरव मोदी चर्चित बने हुए हैं। उन्होंने हीरे की दुनिया में डायमंड टाइकून के नाम से भी जाना जाता है। नीरव 2013 में भारतीय फौज की सूची में शुमार हो गए थे और वो बेल्जियम के हीरा कारोबारी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। भारत में अपने मामा से डायमंड का प्रशिक्षण लेने के बाद उन्होंने 1999 में फायर स्टोर नाम से एक कंपनी की स्थापना की। नीरव बेल्जियम को छोड़कर मुंबई लौटा है और अपने मामा मेहुल चौकसी से इस बिजनेस के गुर सीखे। अंतरराष्ट्रीय ज्वेलरी मार्केट में नीरव मोदी जाना माना नाम है। उनकी ज्वेलरी को कैंट, विंसलेंट और कार्ली क्लास जैसी अंतरराष्ट्रीय स्टारर सहित ऐश्वर्या राय बच्चन, प्रियंका चोपड़ा, अनुष्का शर्मा, सोनम कपूर और लीजा हेडन जैसी भारतीय अभिनेत्रियां ऑस्कर जैसे समारोह में पहन चुकी हैं। इनमें कई नीरव की ब्रांड एम्बेसडर भी रही हैं।